नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Zomato में जो राइडर लोग होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं वो किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं। और मैं खास करके वीडियो इसके लिए बनाया हूँ क्योंकि एप्लीकेशन में नया अपडेट आया हुआ है 1 अक्टूबर को, यानी कि कल को 1 अक्टूबर को नया अपडेट आया था, जिसकी तरह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन चलाने में कि किस तरह से रेस्टोरेंट पर जाना है, किस तरह से अपने को OTP डालना है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, ये Zomato की एप्लीकेशन होती है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लॉगिन करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन करना पड़ता है। जैसे ही आप इसमें मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करते हैं, ऊपर ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन आता है, और जैसे ही आप इसको ऑनलाइन करके रखेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अपने पास एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर रेस्टोरेंट का नाम लिखा है महादेव का ढाबा, और प्लस यहाँ पे टच पॉइंट वगैरह इस तरह से लिखा हुआ है। पहले की जो अपडेट था उसमें कुछ अलग तरीके से आता था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से नीचे देखिए दोस्तों, स्लाइड टू एक्सेप्ट ऑर्डर आ रहा है, तो इसको अपने को स्लाइड टू एक्सेप्ट ऑर्डर करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, रेस्टोरेंट का ये ओपन हो जाता है लोकेशन वगैरह यहाँ पे। तो जैसे ही हम रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं दोस्तों, देखिए आपको सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिच रेस्टोरेंट के ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने को OTP डालना है। OTP के लिए दोस्तों क्या करना, सिंपली देखिए बेल आइकन के पास में देखिए दोस्तों, थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, हेल्प सेंटर का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट में, हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। हेल्प सेंटर पर क्लिक करते देखिए दोस्तों, लास्ट में नीड OTP पे क्लिक करके उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर यश करना है। यश करने के बाद आपके मोबाइल में उसकी OTP आ जाएगी, और वो OTP आपको पुट करना है उस और जहाँ पे अपना OTP मांगता है। देखिए दोस्तों, रेस्टोरेंट द पिकअप यहाँ पे करके आपको OTP पुट करना है। देखिए जो आपका OTP है, मैं OTP यहाँ पुट कर देता 8504। ये देखिए दोस्तों, ये करने के बाद सिंपली रेस्टोरेंट के पास क्या आपका ऑर्डर है वो वहाँ पर आ जाएगा, डबल एग रोल इस तरह से यहाँ पे शो कर देगा। और उसको रेडी कब तक करना है देखिए दोस्तों, 2:18 PM, मतलब 2:18 तक उसको रेडी करना है। आप देखिए, जैसे आपके पास में ऑर्डर आ जावे, आप कंफर्म आइटम पे क्लिक करके और ऑर्डर को पिकअप कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप रेस्टोरेंट पे जा करके ऑर्डर को पिकअप कर सकते हो। ये टाइम आता है दोस्तों, ये पर्टिकुलर टाइम होने से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए दोस्तों। फिर टाइम लिमिट बढ़ने के बाद कुछ पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है, इसकी कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे रेडी टू पिकअप हो गया, तो मैं इसको यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ। पिकअप करने के बाद जैसे आप पिकअप करते हो तो कस्टमर की लोकेशन आ जाती है, ऑर्डर कहाँ ले जाना है। कॉल पे आप क्लिक करते हो, देखिए जैसे आप कॉल पे क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, गेट टू कस्टमर लोकेशन और कॉल द कस्टमर। तो आपको अगर लोकेशन चाहिए तो आपको फर्स्ट में क्लिक करना है, तो आपकी लोकेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगी गूगल मैप के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आपको कॉल करना है कस्टमर को तो कॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, रिच ड्रॉप पे करना है कस्टमर के पहुँचने के बाद। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर सिंपली मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए दो आइटम आपके पास में डिलीवर कर दिया जैसे ही आपने, तो यहाँ पे देखिए गिव आइटम टू कस्टमर, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, 119 रुपीज़ कस्टमर से आपको कलेक्ट करना है, तो इस पर ये ऑप्शन आ जाएगा ग्रीन कलर का। देखिए दोस्तों, जैसे आप कस्टमर को आइटम दोगे तो आपके पास कलेक्ट करना है 119 रुपीज़। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, मार्क ऑर्डर डिलीवर का ऑप्शन आ रहा नीचे एंड में, तो यहाँ पर आपको करना है स्लाइड करना। स्लाइड करने के बाद देखिए दोस्तों, रेटिंग आती है कस्टमर की, आपको यहाँ पे फाइनली रेटिंग डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो इसके दोस्तों, यहाँ पे गो टू फीड का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस वगैरह दिखा देता है, और इस तरह से आपका ऑर्डर ये कम्प्लीट हो गया। और इस तरह से आप Zomato में ऑर्डर कर सकते हो इजीली। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।